उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या सरकार और संगठन के बीच खींचतान बढ़ गई है? ये सवाल यूपी से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में है। वजह है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जिसमें उन्होंने सरकार से बड़ा संगठन को बताया। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया। 16 जुलाई को केशव मौर्य की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और इसके बाद 17 जुलाई को केशव मौर्य ने ट्वीट कर अपनी बातों को फिर दोहरा दिया। इसके बीच यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला शुरू है। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से मुलाकात की। लेकिन सवाल है कि मुलाकात में क्या बात हुई, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के मंथन के बीच केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल खड़े हुए कि क्या सरकार और संगठन के बीच सब कुछ सही नहीं है, और इन सवालों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम दिल्ली तलब कर लिए गए, जहाँ कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केशव मौर्य की मीटिंग एक घंटे से ज्यादा देर तक चली। और रात में मुलाकात के बाद केशव मौर्य ने फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है वाले पोस्ट ने एक बार फिर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। अटकलों का बाजार गर्म होने लगा। क्या वाकई केशव मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान बढ़ गई है? इन सवालों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर तंज कसने लगे। आज जो मीटिंग थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग कर रहे, तो क्या कोई फेर बदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है, सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाएं, इसलिए फैसला टल गया। अखिलेश यादव बीजेपी पर तंज कसने लगे तो केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीटीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव, भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। इस पोस्ट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया, साथ ही संदेश देने की कोशिश की कि यूपी में सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक है। ऐसे में सवाल है कि सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच खींचतान के पीछे आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।